गुरुवार को गायत्री नगर मालोला चौराहे पर नरेंद्र सिंह राठौड़, जो भारतीय सेना में सिपाही के तौर पर चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, उनका 17 वर्षीय सेना में सेवानिवृत्त होने पर पूर्व पार्षद भीरूलाल भड़ाना के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इनमें विभिन्न वार्डो के लोग एवं विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल थे। चौराहे पर जोरदार स्वागत के साथ सेना का हौसला बढ़ाया एवं जोरदार आतिशबाजी की गयी। मुझे सेना की प्रेरणा जानने की प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से मिली। मेरे दादाजी भी आर्मी के अंदर थे और APTC ग्रुप में हवलदार मेजर थे, और उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और मैं उनकी प्रेरणा से आर्मी के अंदर गया। और मेरे को मैंने 14 साल की उम्र में आर्मी में जाने का मुझ में जुनून चढ़ गया था, और उसकी वजह से मैंने 14 साल की उम्र में मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ही अथाक मेहनत करी। मेहनत के दम पर मैं अपने 17 साल 4 महीने की उम्र में सेना मैं ज्वाइन हुआ नसीराबाद की भर्ती से। उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छी रेजिमेंट मिली, रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स थी, और उसके अंदर भी मेरे को बहुत ही बेहतरीन पलटन जिसका नाम 14 राजपूताना राइफल्स है वो मिली। 14 राजपूताना राइफल्स में मैं दिल्ली सेंटर से रिक्रूटी करके कारगिल में तैनात हुआ। कारगिल में 1 वर्ष सेवा देने के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद बंगाल, चंडीगढ़, गुलमर्ग, और लास्ट जो सेवा है मैंने चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में दी। मेरी सेवा के दौरान मैंने बहुत ही ऐसे मोड़ देखे जिन मोड़ों के किसी भी सिविल व्यक्ति को देखना नसीब नहीं होता, परंतु मुझे बहुत ही सौभाग्य है और बहुत ही मुझे खुशी है कि मैं आज अपनी देश सेवा 17 साल करके राजी खुशी अपने घर पर लौटा हूँ। जय हिंद। लोगों को जो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हम भिलवाड़ा वासी प्लस देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना की जैसी नौकरी कोई भी नहीं है। अगर आपको अंदर जुनून है, आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए। इंडियन आर्मी जैसी संस्था इस पूरे देश में कोई भी नहीं है, और मैं उसकी प्रेरणा ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी बंदा अगर मतलब कि आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे से किसी भी समय मिल सकता है। मैं उसकी जितनी हेल्प होगी वो करूंगा और उसको हम अच्छा गाइड करूंगा, प्लस उसे बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। अपने घर में और भी कोई है? मेरे घर के अंदर मेरे 4 अंकल सेना में तैनात है, मेरा छोटा ब्रदर है जो अभी भारतीय सेना में तैनात है, वह RT सेंटर हैदराबाद के अंदर तैनात है। वह वहां पर इंस्ट्रक्टर है, गनर इंस्ट्रक्टर है, वो गन फायर करता है, और प्लस अभी जो नए रिक्रूट भर्ती होकर RT में जाते हैं उन्हें ट्रेन करता है।